भाग्य यह है कि मैं रामाराव महाराज को तकरीबन 6 बार उनका आशीर्वाद देने का मुझे मौका मिला। आज एक कार्यक्रम पे आयन विग्रह प्रतिष्ठापन के लिए मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर विराजमान बाबू सिंह महाराज, अजय नायक जी, लोके नायक जी, धनपाल सुनारायण जी, दिनेश जी, भूमन्ना जी, और यहाँ के सरपंच हरिचंद जी, टेम्पल के चेयरमैन किशन जी, माजी सरपंच दादूराव जी, मुनि नायक जी, मोगन नायक जी और सभी मेरे भाइयों, एमपीपी साहब, रामाराव महाराज को उनके कहने पर, उनके सूचना पर हमने एक चिंडी यज्ञ का कार्यक्रम किए थे। वो कार्यक्रम के लिए धूपकाल में रामाराव महाराज वो कार्यक्रम को आशीर्वाद देने निजामाबाद आए थे। उस दिन न जाने उनको क्या लगा, वो दूसरी या तीसरी बार मैं से मिले थे, मुझे देखकर आप ये कार्यक्रम करें, आपका चुनाव आने वाला है, आपको पार्टी का टिकट मिलेगा, आप सांसद बनेंगे और सांसद बनने के बाद आप पौरा देवी आएंगे, मेरा पूरा भविष्य बता दिया। और मुझे वोट डालकर जिताने करके उन्होंने अपने जो भाषण में मुझे आशीर्वाद दे रहे थे उसमें लोगों को भी, अपना बंजारा समाज के भाई बहनों को भी डायरेक्ट कहा, इनडायरेक्ट कहा। उसके बाद रामाराव महाराज को मैं एक दो बार मिला, उसके बाद मैं पौरा देवी गया। जिस दिन पौरा देवी गया उसे एक दिन पहले उनका हेल्थ खराब हुआ था और वो मुझे पौरा देवी में दर्शन नहीं दे सके, पर वो अस्पताल में थे पुसट। फिर उधर मैं गया, उधर भी ये मनस्फूर्ति का दिल से मुझे आशीर्वाद दिया अस्पताल में। वो खुद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फिर उधर से वो डिस्चार्ज हुए, फिर हैदराबाद किसी काम से आए, या वही अपोलो में आगे बढ़ती हुए, फिर मैं अपोलो में जाकर उधर थोड़ा सेवा करने का मुझे मौका मिला, उधर भी फिर आशीर्वाद दिए। लास्ट में जब शरीर से वो यहां पर नहीं है, पर मुझे ये मेरे को पक्का लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे सर पर हमेशा रहे। और जब मैं अंदर गया, थोड़े बच्चे हैं जी साथ मेरे पास, मैं इतना अच्छा मूर्ति और मार्बल का मूर्ति के जो आप साइड में जो मूर्ति बनवाए वो मूर्ति देखकर तो रामाराव महाराज वहां पर विराजमान है ऐसी लग रहा है। उतना बढ़िया वो लाइव वहां पे बैठे जैसा है। ये मंदिर को
अपन आगे बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे। मेरे तरफ से पर्सनल सरकारी पैसा नहीं, सरकारी पैसा तो दूंगा, मेरे तरफ से मैं 2,01,000 रुपए मैं कल में जाता हूँ। हमारा सरकारी पैसा कोविड के वजह से 2 साल रुक गया है, मार्च तक खत्म होगा, 2 साल अप्रैल में आएगा, फिर उसके बाद भी मैं 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में 5 लाख रुपए देता हूँ। ये सब सर उनके आशीर्वाद से हो रहा है पूरा, अपन कुछ नहीं कर रहे। रामाराव महाराज उस कंप्यूटर पर कभी भी मैं मिलता था, उनके अंदर मेरे को पावर दिखता था। रामाराव महाराज के अंदर डेफिनेटली कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स उनमें थे। मेरे को एक अटैचमेंट बन गया था, वो थोड़े बाद जितने बार मैं मिला मेरे को एक अटैचमेंट बन गया था, एक फैमिली मेंबर के जैसा मुझे हमेशा लगता था। तो मेरा खुशकिस्मती है कि मुझे रामाराव महाराज चाहते थे, और जब तक मैं जिंदा हूं मुझे पूरी यकीन है कि उनका आशीर्वाद मेरे पे रहेगा। बस ये कहते हुए मैं फिर से बाबू सिंह महाराज को मैं धन्यवाद देता हूं, ये कार्यक्रम में मुझे बुलाए, मुझे उनका वही आशीर्वाद से मैं करेक्ट टाइम पे आ गया। वो आशीर्वाद के मैं प्लानिंग करके नहीं आया, मैं 2 बजे आने वाला था, कई कारणों के वजह से वो 1.5 घंटा डिले हो गया, और करेक्ट समय पे मुझे रामाराव महाराज जी यहाँ पे बुलाया। तो फिर से मैं सभी लोगों को, सभी भाइयों को, सबको मैं धन्यवाद कहते हुए मुझे 5 बजे आरमोर में कार्यक्रम है, तो मुझे जाने का।